अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही जायकेदार चने की दाल और लौकी। इसे हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, जैसे हमारी अम्मी जान, हमारी दादी, हमारी नानी बनाती थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लौकी की सब्जी को हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 1 कप तेल, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं, 1/2 किलो लौकी, 2 अदद बड़ी साइज की प्याज, इसको मैंने छील लिया है, साथ ही लेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें, और यहाँ पर ली है 1 पाव चने की दाल जिसको मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ है, और साथ में लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून नमक या फिर हसबे जायका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्याज थी उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, देखिए इस तरह से, और जो टमाटर थे उनको भी मैंने चॉप कर लिया, और जो लौकी थी उनको दरमियाने टुकड़ों में इस साइज में काट लिया है। अब एक भगोने में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया। जीरा जैसे ही कड़कड़ाएगा उसके अंदर हम शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज। जैसे ही जीरा कड़कड़ाएगा उसमें हमने प्याज शामिल कर दी है, और अब हम प्याज को करेंगे फ्राई उस वक्त तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, अगर ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो प्याज जल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब बारी है इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने की, और ये डालने के बाद भी हम इसको जब तक कि अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन नहीं हो जाता इतना फ्राई करेंगे। उस वक्त तक अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और उसकी जो कच्ची रॉ स्मेल होगी वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए लेते हैं, देखिए ये जो अदरक लहसुन है वो ब्राउन हो गया है, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और साथ ही सारी स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसको करेंगे 2 से 3 मिनट फ्राई। जी तो 2 से 3 मिनट को फ्राई किया तो हमारे जो टमाटर थे वो सॉफ्ट होने लगे, गलने लगे, और अब हम इसको खूब भूनेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो एकदम रेडी हो जाए। इसको इसलिए भी भूनेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए और एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी भिगोई हुई दाल जिसका पानी मैंने जो है वो निकाल दिया है। इसको कर लेंगे 1-2 दफा मिक्स, और जब ये मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 ग्लास पानी। इसको 1 दफा फिर से चला लेते हैं, और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन
आधे घंटे या उस वक्त तक के लिए जब तक कि दाल गल नहीं जाती। मम्मी क्या कर, तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा लगा और दाल जो है वो गलने की तरफ आ गई है। यहाँ पर इसका पानी भी खुश्क होने लगा है। अब इसको हाई फ्लेम पर मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और हमारी जो दाल है वो मसालों के साथ प्रॉपरली भुन नहीं जाती। और यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से दाल भुन गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर एक से डेढ़ ग्लास पानी और शामिल करूंगी और इसको एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। यहाँ पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ और अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको वन बॉयल आने तक कुक करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बॉयल आ चुका है और इस स्टेज पर बारी आती है लौकी शामिल करने की। तो लौकी को हमने शामिल कर दिया है और अब इसको एक दो बार हिला लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे मज़ीद आधे घंटे, ताकि जो लौकी है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जो दाल में थोड़ी बहुत कसर रह गई हो वो भी मुकम्मल तौर पर गल जाए। तो यहाँ मेरे को तकरीबन आधा घंटा और लगा और जो लौकी है वो गल गई है, दाल भी बिल्कुल गल गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला। इसको करेंगे मिक्स। एक बात का और ख्याल रखिए कि अगर आपकी दाल गलने में थोड़ा टाइम लेती है या अकड़ जाती है तो नमक हमेशा एंड में डालिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, इसको एक दो दफा चला लूंगी। और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से एक मिनट लगा है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। इसकी खुशबू, इसका जायका तो लाजवाब है ही, साथ ही इसकी शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत है। इसे नाश्ते में पराठे के साथ या चावलों के साथ या दोपहर में खाएं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। या फिर गरम गरम घी की रोटी के साथ खाएं, तब भी बहुत ही उम्दा लगती है। इसके साथ सैलेड बनाइए और तली हुई हरी मिर्चें इस्तेमाल करिए, बहुत ही मजा आएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जाते जाते प्रेस द बेल आइकॉन टू अवेल माय लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो ऑन टाइम। मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए